राष्ट्रपति हामिद अंसारी आज मोरक्को और ट्यूनिशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरे का मकसद पिछले साल अक्टूबर में भारत अफ्रीकी शिखर बैठक से हुए राजनयिक लाभों को आगे बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति दोनों उत्तर अफ्रीकी देशों के नेताओं से आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और निजी क्षेत्रों में निवेश जैसे मामलों पर चर्चा करेंगे। भारत और अफ्रीका के बीच संबंध फिर से केंद्र में हैं। कई नेताओं की विभिन्न अफ्रीकी देशों की यात्राओं से संबंधों के फिर से प्रगाढ़ होने की उम्मीद बनी है। इस कड़ी में सोमवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मोरक्को और ट्यूनिशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा में उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सलमा अंसारी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर और अन्य प्रतिनिधि भी जा रहे हैं। Vice President Hamid Ansari and his wife, Srimati Salma Ansari, along with a delegation which includes MOS Fertilizer and Chemicals and 4 members of parliament would be visiting both Morocco and Tunisia. Morocco segment is basically 30th, 31st and 1st of June and 2nd and 3rd he will be in Tunisia. उपराष्ट्रपति पहले चरण में मोरक्को में राजा मोहम्मद और प्रधानमंत्री अब्देलिल्ला बेन किराने के साथ रबात में बातचीत करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का मोरक्को की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के अलावा विदेश मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मोरक्को के ऐतिहासिक शहर माराकेश जाएंगे, जहां माराकेश के राज्यपाल उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। And this is a follow-up, a series of visits have been planned and this is the first follow-up of the high-level India-Africa summit that we held last October, where of course the King of Morocco himself had come for I think a week and of course Tunisia was represented by a minister. दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति ट्यूनिशिया का दौरा करेंगे, जहां वे राष्ट्रपति बीजी कैड इसेपसी और प्रधानमंत्री हबीब इसीद के साथ साझा हित के मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इन बोथ दीज कंट्रीज द होस्ट वुड बी द प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ गवर्नमेंट। बोथ इन मोरक्को इज कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड इन ट्यूनिशिया इट्स द प्राइम मिनिस्टर। देयर वुड बी मीटिंग्स विद देम, with the king in Morocco and with the president in Tunisia, and he will be meeting the intellectuals, the imams, addressing the international community and the Tunisian Institute of Strategic Studies to basically talk to them about India and how India looks at the world and India's position in the 21st century. भारत के मोरक्को और ट्यूनिशिया के साथ सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। सौरभ सिंह, DD न्यूज़।